तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का तो वीडियो हमने बना लिया, अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख सकते हो। ये अभी आगे हम लोग वेल विलेज, ये भी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में ही आता है कैंपस में थोड़ा आगे। तो वेल विलेज क्या है और ये क्यों फेमस है बताते चलो। अरे चलो, अभी वेल विलेज का ये सीन है, जो गौरव भाई जो मुझे मिले थे उन्होंने बताया कि वेल विलेज जो है स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए ज़्यादा फेमस है, और ये सुंदर और सेक्सी है। सुंदर और सुशील नहीं है, सुंदर और सेक्सी है, ये समझने की तुम्हें बहुत ज़रूरत है ब्रो। तो अभी देखो आगे दिखाते हैं क्या सीन है। ये तो दिखा रहा आगे एंड पॉइंट है इसका, तो लेट्स सी। और यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट दिख रहे हैं, है ना? यस, सच में यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट दिख भी रहे, तो वो वाइब आ रही है यहाँ पे कि हाँ भाई बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के आसपास है हम लोग थोड़ा। तो इस मेन है ना ये तो अकोमोडेशन इधर की, हाँ बर्मिंघम की। ये है विलेज, वेल विलेज मैंशन। ओए होए होए, आ जाओ ये रास्ते में। कहाँ दिखा रहा है ये, एक मिनट। ओहो मनाली आ गए। अच्छा तो ये ऐसा है पूरा, ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है वेल, इतना जो हाइप हो रखा है ना ये स्टूडेंट अकोमोडेशन का। गाड़ी क्या चल रही है अंदर, आइसक्रीम की गाड़ी वाड़ी चल रही है देखा। तो ये पूरा जैसे अभी ये देख रहे हो आप यहाँ पे पूरा ऐसा, ये क्या कहते हैं इसको, स्टूडेंट अकोमोडेशन है ठीक है। पूरा पीछे आगे वेल विलेज, तो इसका छोटा सा टूर देने के लिए अभी आए यहाँ पे। और क्यों नहीं यार, वो बंदे ने जिस तरीके से बताया इतना, ओह लेक है यहाँ पे, वही कह रहे थे इतना सुंदर है इसीलिए लोग इधर जा रहे हैं। तो सिर्फ अकोमोडेशन नहीं, और ये अकोमोडेशन क्यों भी चूज़ करना चाहिए उसके लिए भी, उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो अभी बताते हैं दो मिनट के अंदर। दो मिनट मतलब सिर्फ दो मिनट वॉक। एक चीज़ देखिए मेरे को यहाँ पे, बताओ यार तुम। ये देखो यहाँ पे ये फ्लैट वाले ऐसे लगाते हैं बियर टाइम, और इनके शीशे के अंदर देखिए ब्यूटीफुल। ये देखो भाई साहब ये तो दिखा रहे हो, सबके अंदर है, सबके अंदर है भाई। हमारे सारे अकोमोडेशन में ऐसे ही रहता था, हमारे भी ये ऐसे ही रहता है। ये लिटरली अकोमोडेशन में है, ये यूके का बहुत ज़्यादा सीन है ये। इस पे अच्छा जाते हो कि इस पर रील बनाने की याद दिलाना, ठीक है। ओह हो क्या सुंदर है, देखना ब्रो। ओह भाई मैं भी मेस्मराइजिंग मेस्मराइजिंग है ब्रो। सीधे चलते हैं यहाँ से, कहाँ घूमते फिरते बैठेंगे। तो अभी वेल विलेज जो आए हम लोग, वो ऐसा है ब्रो कि क्या कहते हैं, चिलिंग स्पॉट है ये, चिलिंग स्पॉट है, चिल कर सकते हो यहाँ पे आप आके। स्टूडेंट अकोमोडेशन तो है ही है और कोई सीन्स भी नहीं होते हैं, तो वो बात है। तो अभी दिखाते आगे अंदर जाके कि क्या चक्कर है, और क्या लेक है, क्या है वेल, वेल विलेज क्यों इतना फेमस है, कौन सा इतना बड़ा लेक है वहाँ पे, सारे लोग बैठे हुए। तो अभी हमारा तो काम यही है दिखाना आपको, और ना सिर्फ खुद देखना बट दिखाना भी। तो ये देखो सुंदरता, ये देखो ऐसे चेयर पे बैठ जाओ भाई। फिर से तूने बंद कर दिया ना माइक, तो ये है कितने सुंदर। देखो यहाँ पे बेंच है, ये तुम्हारा नया ब्लॉगर है, ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, और ये चिलिंग स्पॉट लाइक आई सेड। ऊपर ज़्यादा वहाँ पे चिलिंग करने के लोग बैठे, तो वहाँ जाने का ट्राई करते हैं। वेल विलेज क्यों आना चाहिए, जाना चाहिए, वॉट एवर, वो अभी तुम्हें पता लगेगा। बट वो पता कैसे लगेगा, ओए भाई आ जा। तो ये चीज़ है, ये इधर लोग पिकनिक विकनिक मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम अगर तुम आ रहे हो यार तो वेल विलेज आना मत भूलना, क्योंकि बहुत चिलिंग स्पॉट है, मतलब अच्छा चिलिंग स्पॉट है, और मतलब अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है अगर तुम वीकेंड पे आओ बैठो, किताब विताब पढ़ना है कुछ करना है। जैसे अभी यहाँ पे लोग बैठे हुए दिख रहा है, ये ऐसे चेयर्स पे बैठे हुए, तो ऐसे आप भी बैठ के चिल कर सकते हो, कोई सीन नहीं है ब्रो। और रास्ता जो इतना सीनिक रास्ता है पूरा पूरा ओवर ऑल ओवर ऐसा ही रास्ता है, और
लेक है बीच बीच में पानी, आई डोंट थिंक इसमें कुछ आप कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आई डोंट थिंक इसमें कुछ कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम कुछ पत्थर वत्थर फेंकना या ऐसे करना। अब ये दिखाता हूँ यहाँ पे जो जनता बैठी है, जैसे हमारे इधर नहीं होता गार्डन्स वगैरह, तो वो चक्कर है, दिखाते ये आ गए, आ जाओ भाई, कैसा लग रहा है बता? है ना, बहुत सीधा तुमको ही व्यू मिल रहा है और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये अकोमोडेशन के जितने पैसे मांगने मांग लो यार, दे देंगे हम, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है ब्रो, इतना सुंदर व्यू है। मतलब मैं तो हर रोज पढ़ाई करने के बाद इधर आऊँ चिल करने के लिए, क्या कहता है भाई? बढ़िया है। अरे तुम्हारे अकोमोडेशन सीधा व्यू दिख रहा है। हाँ व्यू, एक व्यू अलग है और यहाँ पे बैठ के चिल करना, हाँ तो वाइब्स है ब्रो, वाइब्स है, वाइब्स है। ये जगह पे बहुत खतरनाक वाइब्स आ रही है मेरे को, अच्छी वाली। तो प्लीज़ यार तुम वेल आओ, वेल विलेज करके जगह, और ये इट इज़ विलेज, मॉडर्न विलेज, और लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, ये अगर आप देख सकते हो सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ये अपना मज़ा उठा रहे, मनोरंजन कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से। लोग यहाँ पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, लोग अपना बारबेक्यू भी शायद बना रहे। अभी यहीं से हम लोग देखते हैं, दिखाते आगे, और बहुत लंबा है ये, मतलब यार इतना बड़ा है ये, लिटरली विलेज है, मतलब एक गांव है ये छोटा सा, ये चक्कर है यहाँ। तो ये था तुम्हारा वेल विलेज, ठीक है, गांव, लेकिन बहुत ही सुंदर मंत्रमुग्ध गांव और चिलिंग गांव। वेल विलेज के अगर आपको अकोमोडेशन मैंशन अकोमोडेशन आपको अगर लेना है प्लीज़ लो, थोड़े अगर 10-20 पाउंड ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो सुकून और शांति रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में जाते हैं एक पॉइंट के बाद, काफ़ी लोनली हो जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है कि नहीं भाई नहीं हो रहा हमसे। तो ऐसी जगह पे आओगे ना तो थोड़ा वो ये मिलेगा कि यहाँ चलो कम से कम पानी है, डूब मरे इसमें, समझ रहे समझ रहे हो तुम? तो तुम्हें आसानी हो जाएगी, मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पंखे वंखे भी नहीं है ना, दिक्कत वो है, तो इसीलिए तुम इसीलिए यहाँ आओ इस जगह पर, इसीलिए तुम्हें आना ज़रूरी है। ये नहीं कि तुम यहाँ पे आके मज़े करोगे, मस्ती करोगे, रिलैक्स पीस वगैरह मिलेगा, पागल हो गया, ये सारी चीज़ थोड़ी करते हो क्या? आके इतना टेंशन होता है, इतना लोन लेके आते हो तुम, क्या किसके लिए? पीस के लिए भाई, पीस नहीं चाहिए, दिहाड़ियाँ लगाओ, काम करो, या तो फिर डूब मरो। डूबने के लिए तो पानी है, पानी है तुम्हारे पास। तो ये था, ऐसा सीन है। बाकी जोक्स अपार्ट, अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है ना ब्रो, हर बार थोड़ी बताना पड़ेगा, बताओ यार, समझाओ इनको कुछ। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो, जो भी कर सकते हो सब करो प्लीज करो। और इंस्टाग्राम पे मैसेज करो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, किधर भी यूके में कोई भी टेंशन है ना ब्रो, अपने को बताओ ना थोड़ा, हम क्यों इधर हैं, है ना, बहुत देर से घूम रहे हैं और हाथ भी दुख रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।